दोस्तों, मैं पॉपुलर दुकान चौहान स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉपुलर ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर वाटर केमिस्ट्री है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, कि भाई एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कैसे काम करता है, उसमें उसका बैकवास कैसे होता है, तो उसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, वो किस किस तरह की इम्प्योरिटी निकालता है। सो दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है जो कि बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जो कि हम बॉयलर के लिए जो वाटर बनाते हैं उसको हम डीएम वाटर बोले, डीमिनरलाइज वाटर। तो क्या है डीमिनरलाइज वाटर, कैसे बनता है, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो, या फिर आपको आप डीएम प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक जो वीडियो मैंने बनाया है वो जाकर देखिएगा। उसके बाद जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, सबसे पहले जो मैंने किया है वो MGF कवर किया है, मल्टीग्रेड फिल्टर। मल्टीग्रेड फिल्टर के बाद जो इक्विपमेंट लगा रहता है वो होता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। कि देखो, जैसे कि हमारा बिफोर MGF मल्टीग्रेड फिल्टर क्या क्या करता है, जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है, जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जो भी इम्प्योरिटी, जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह है, वो वाटर से रिमूव कर देता है। तो फर्दर जो चीज़ें बच जाती हैं उससे क्या है, हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के अंदर उसको रिमूव करते हैं। जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की जो वर्किंग है, सेम एज इट MGF है मल्टीग्रेड फिल्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, जो हमने जो फिल्टर मीडिया बनाया था वो इसका फिल्टर मीडिया बिल्कुल डिफरेंट है। इस फिल्टर मीडिया में क्या है, जो मेनली कंटेंट है फिल्टर मीडिया में वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की जो ये लेयर है। तो सबसे पहले इसको इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें इसके जो जनरल अरेंजमेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैन होल है विद कवर। यदि आपको इसके इंटरनल के कुछ भी मेंटेनेंस करना है, इसमें सबसे पहले क्या है, मैन होल विद कवर लगा हुआ है। इसमें क्या है, यदि इसमें आपको कभी आपको हाइड्रो पे कुछ काम करना है, या फिर इसके इंटरनल देखने हैं, या फिर उसका इंस्पेक्शन करना है, क्या है, ये मैन होल विद कवर यहाँ पे दिया दे रखा होता है। यहाँ पे एयर रिलीज है। सपोज दैट कि यहाँ पे जब हम वाटर बैकवास करते हैं, या फिर कभी इवन कभी आपको फ्लो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, कई बार एयर ट्रैप्ड हो जाती है, तो क्या है, प्रॉपर वैसे हमें फ्लो नहीं मिल पाता इसके अंदर, तो क्या है करते हैं, हम जो एयर रिलीज होती है हम इसके थ्रू से एयर रिलीज कर देते हैं। तो क्या है, ये है रॉ वाटर फ्रॉम MGF। MGF से जो रॉ वाटर आता है वो क्या है, इस हेड के थ्रू इस चैम्बर में आता है। तो ये क्या है, ये इसका टोटल हम इसको बोल सकते हैं फिल्टर मीडिया। तो ये फिल्टर मीडिया हो गया। तो क्या है, ये आफ्टर फिल्टर मीडिया के थ्रू यह है, ये है आउटलेट हेडर। आउटलेट हेडर में क्या होता है, इसमें नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स के अंदर से पानी होकर यहाँ पे कलेक्शन होता रहता है। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद क्या है, ये क्या कहाँ चला जाता है, ये फर्दर या तो ड्यूल मीडिया फिल्टर में चला जाता है, या फिर कार्टेज फिल्टर में चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो ये सीरीज इस बैक टू बैक लगी होती है, डिपेंड करता है वाटर क्वालिटी के ऊपर। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारे इक्विपमेंट डिपेंड करते हैं कि वाटर क्वालिटी, कि आप रिवर का वाटर यूज कर रहे हो, या फिर अपना बोरवेल का वाटर यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वाटर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि आपका रॉ वाटर किस क्वालिटी का है। सो दैट अभी क्या है, अभी जो हमारा ये फिल्टर मीडिया हो गया, तो इस फिल्टर मीडिया में होता क्या क्या है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो इसको फिल्टर बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन। तो क्या है, ये एक्टिवेटेड कार्बन की लेयर है। इसके बाद है कोरेक्स साइलेक्स और ए फाइन साइलेक्स। ये कोरेक्स साइलेक्स को हम बोल सकते हैं कि क्या ये इसमें क्या होता है, 98% से 99% क्या होता है, सिलिका ही होता है। तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। जो ये मैंने कोरस साइलेक्स के जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया है
वो बिल्कुल फाइन है, और आफ्टर दैट ये जो फाइन साइलेक्स तो क्या है, ये डी ए वी डिफरेंट डिफरेंट साइज का, सपोज दैट की ये हो गया अपना, सपोज दैट 0.2 माइक्रोन का हो गया, ये क्या है जो इसमें फाइन पार्टिकल है उनका मैंने ये साइज बताया, ये क्या 0.1 माइक्रोन का हो गया। तो क्या है इसके नीचे जो पेबल्स है, ग्रेवल्स है, जो कि कंकड़ पत्थर है इसके नीचे भी होते हैं, तो क्या है ये सारा फिल्टर मीडिया है जो कि रॉ वाटर को, इसमें रॉ वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी बच जाती है, जैसे कि रॉ वाटर में इम्प्योरिटी किस किस तरह की होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक्स है, अनवांटेड, जैसे कि अनवांटेड टेस्ट है, आपको कभी आपने देखा होगा खारा पानी है उसका टेस्ट अलग होता है, तो क्या है यदि आप रिवर से पानी लेते हो उसका टेस्ट अलग होता है, बोरवेल से लेते हो तो क्या है वो उसका जो टेस्ट अलग होता है, तो क्या है जो इसकी ऑडरनेस है, जो कि गंदी स्मेल होती है, जो इसकी में इसके अंदर माइक्रो पोल्यूटेंट होते हैं उनको रिमूव करने के काम आता है, जो वाटर के अंदर क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, और रेडॉन होता है, तो ये क्या है ये सारी चीज़ें अपना जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो इसको रिमूव करता है। सो दोस्तों ये जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है ये आउटलेट से निकल जाता है। तो क्या है अभी मैं आपको इसके थोड़े से इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर अपना 450 ईसा पूर्व से ही इसका यूज होता जा रहा है, क्योंकि एशियन टाइम में क्या है कि जो हमारा वाटर होता है उसको यानी उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम चारकोल इस तरीके कोयले का यूज करते थे। तो क्या है अभी यदि अभी जो फर्दर अपना जो 14-15 ईसा पूर्व क्या है 14वीं जो 15वीं शताब्दी है, तो क्या है उसमें जो हमारे कोकोनट सेल है, ठीक है, पीनट सेल्स है, तो क्या है वो यूज करते थे कि जो हमारी शुगर इंडस्ट्री वगैरह था उसको जो केमिकल्स वगैरह जो अपना सॉल्यूशंस वगैरह को, जैसे कि अपना वहाँ पे जो जूस होता है उसको साफ करने के काम आती है शुगर इंडस्ट्री में। तो अभी ये क्या है जैसे कि हमारा जो रॉ वाटर है यदि इसकी एफिशिएंसी की भी बात करें तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि यदि इसकी एफिशिएंसी, यदि वाटर पीछे से ट्रीटेड अच्छा आ रहा है तो क्या है इसकी एफिशिएंसी हायर होगी, और यदि वाटर में जो अपना पीछे से MGF ने प्रॉपर वैसे ट्रीट नहीं किया वाटर का तो क्या है इस पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो क्या है इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो एक डिपेंड करता है कि इसकी एफिशिएंसी जो वाटर के pH है और टेम्परेचर है तो इन पे भी डिपेंड करती है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा, जैसे कि अपना टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर और pH है, ये जितने डाउन हो गए उतना ही अपने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की क्या है एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीन होता है यदि हिंदी में बात करें तो सोखना, कि भाई जब भी हमारे रॉ वाटर में किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी है क्या है वो जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो इसको सोख लेता है। तो कभी कैसे सोख लेता है, जैसे कि इसमें जो कि काफ़ी टीनी पोर्स होते हैं, यदि ये जो अपने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होते हैं उसमें क्या काफ़ी टीनी पोर्स होते हैं, तो एज ए फिल्टर का काम करते हैं वो, जो हमारी जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, तो क्या है उसको क्या है वो अपने अंदर सोख लेता है, यानी मींस दैट कि चिपका लेता है अपने ऊपर। इसकी एक एबिलिटी होती है जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो क्या है जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है रॉ वाटर की वो अपने आप से चिपका लेता है, मीन्स सोख लेता है। तो अभी क्या है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, इसमें क्या है ये एक पार्टिकल का वो है जो अपना एक्टिवेटेड कार्बन का एक पार्टिकल है, कि उसमें क्या है ये मैंने इसको सपोज दैट कि माइक्रोस्कोप से ऊपर दिखा रखा है बड़ा करके, क्या क्या इसके अंदर क्या होता है ये जो होते हैं ये पोर्स होते हैं,
तो क्या है, सपोज दैट कि रॉ वाटर की इम्प्योरिटी आ रही है, सपोज दैट ये इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है, तो क्या है ये इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या है, इसमें आके फंस जाएगी, मीन्स दैट फंस जाएगी, वो फंस जाएगी, तो क्या है फर्दर क्या है, नीचे से क्या निकलेगा, विदाउट इम्प्योरिटी का वाटर निकलेगा। तो क्या है ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है एडजोस्टन, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको सोख लेना। तो यदि बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर किससे बनता है, ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है इससे किससे बनता है, ये मोस्टली क्या है जो अपने पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल जो कोक होता है या फिर कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उससे ही निकलता है। जैसे कि अपना राव, आपने देखा होगा राव पेट्रोलियम पेट्रोल होता है, तो क्या उससे उसका एक ये एक इंग्रेडिएंट है, आफ्टर डिस्टिलेशंस क्या है ये भी निकलता है। तो क्या है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बिटुमस को कोल से बना सकते हैं, लिग्नाइट कोल से बना सकते हैं, जो वुड प्रोडक्ट है कोकोनट सेल है पीनट है उससे क्या है उससे भी हम इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे कि ये जो एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं उसको, मीन्स डैट कि आपने कभी देखा होगा जो चारकोल किस तरीके से बनता है, क्या है वो जो लकड़ी होती है उसको क्या करते हैं ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं बहुत सारी, और उसके अंदर आग लगा के उसको मिट्टी से ढक देते हैं कि जो कंबसन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इन द एब्सेंस ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एनारोबिक रिएक्शंस होगी, तो आफ्टर दैट मीन्स डैट कि अधझला कोल, यदि हिंदी में बोला तो इसको अधझला कोल होता। आपने देखा होगा यदि आप लाइट अप करते हो अधझला कोयला, चारकोल को इसी चारकोल वही होता है अधझला कोयला। तो दोस्तों इस अधझले कोयले को क्या है इसका पाउडर फॉर्म बना के हम क्या है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में यूज करते हैं। यदि इसकी बात करें तो यूजेज क्या होता है, या जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट होता है इंडस्ट्री पर्पज से, जैसे कि बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, घरों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपको ग्राउंड वाटर ट्रीट करना है तो वहाँ पे यूज करता है, तो क्या है इसकी वाइड एप्लीकेशन से। और यदि इसको देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कटाइन और अनायन यदि एक्सचेंजर की बात करें, और जो इसकी इसमें केमिकल कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम आती है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज इस एक्टिविटी कार्बन फिल्टर की होती है, क्योंकि जो कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसमें काफ़ी मिलियंस या ट्रिलियंस अमाउंट ऑफ क्या होते हैं पोर्स होते हैं, तो मीन्स डैट कि उसका क्या है जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है। यदि इसमें इसके एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि यदि हमारा जो एक ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन होगा तो क्या है इसका सरफेस किसके इक्वल होगा, ये होगा 3000 मीटर स्क्वायर के। सो दैट यदि एक ग्राम हमने एक्टिवेटेड कार्बन ले लिया तो उसमें कितने सारे पोर्स होंगे जो कि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया उसका बढ़ा देता है। सो दैट ये भी क्या इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या है वो काफ़ी बढ़ा देता है, इसलिए काफ़ी इसकी एक काफ़ी वाइड एप्लीकेशन से जो कि इसको आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो यदि इसका जो बैकवाश है बैकवाश भी सेम अपना जो MGF है मल्टी ग्रेड फिल्टर है उसी की तरह ही होता है। सो दैट कि बैकवाश करने के लिए हम क्या है बॉटम से, जैसे हमने MGF में दिया था बॉटम से इसको प्रेशराइज वाटर देंगे, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि यदि इसको बैकवाश करना होता क्या है यहाँ पर 3-way वाल लगा होता है, यदि जिन लोग RO प्लांट में उन्होंने देखा होगा जो कि 3-3 डायक्स में इसको घूमता है। तो क्या यदि सर्विस में लेना है तो इसको स्ट्रेट लाइन में ले लेंगे, यदि इसको बंद करना है तो इस साइड में ले लेंगे, यदि इसको बैकवाश करना है तो इधर की साइड में रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है उसकी हेल्प से, इसको ये 3-way वाल लगा होता है, इसकी हेल्प से हम यदि सर्विस में लेना है या बैक्स में लेना है या फिर स्टैंड बाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाल इसको कर सकते हैं। तो सपोज दैट कि हमें इसको बैकवाश करना है तो क्या है इसको बैकवाश पे करके फर्दर इसके हाई प्रेशर वाटर इसमें इंजेक्ट करेंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो क्या है गया? जो भी हमारा जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ वगैरह कलेक्ट हो रखी होंगी
जो कि हमारी एक्टिविटी कार्बन से चिपकी होंगी, तो क्या है वो क्या करेंगी, इसको बैकवाश करेंगे तो क्या है, इधर से स्पोदर्टी जो बैकवाश करेंगे तो क्या है, जो ये इम्प्योरिटी वगैरह यहाँ पे चिपकी हुई तो क्या है ये यहाँ पे निकल के हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। स्पोदर्टी बैकवाश के लिए है, इसको क्या है इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे सारी इम्प्योरिटीज, तो फर्दर ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक था वो था एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि हमने जाना कि किस तरीके से एक्टिवेटेड फिल्टर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक था। यदि फर्दर आपको इसको लगता है कि इसमें आपको कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप इस नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए हमारे अदर्स वीडियो को एंजॉय करिए। धन्यवाद।